स्मार्ट बनने आए हो ना द रणवीर शो क्लिप्स हिंदी पर इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट का सबसे बेहतरीन क्लिप्स चैनल लाइक बटन हिट कीजिए सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए बेल आइकॉन क्लिक कीजिए सर क्योंकि आप एक हिस्टोरियन हो आई फील कि एक हिस्टोरियन का मेन पर्पस होता है नॉट टू स्टडी हिस्ट्री बट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर कि आपने इतनी सारी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता है कि अभी शायद ये होने वाला है नेक्स्ट आपके अकॉर्डिंग अगले दस सालों में चाइना यूएसए और इंडिया के साथ क्या होने वाला है एज ए नॉट बीचो बीच बट इंडिविजुअली in, क्या होने वाला चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है इट इज बाई ट्वेंटी फोर्टी नाइन टू टेक ओवर द वर्ल्ड क्योंकि 20, 1949 में द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी केम टू पावर उसका सौ साल होगा ट्वेंटी फोर्टी नाइन में तब तक उनको पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है इस समय यूएस ए डिक्लाइन में है यू एस का इंटरनल स्ट्राइफ बहुत बढ़ रहा है एज वी स्पीक एवरी डे यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम इतना थोड़ा अभी वीक लग रहा है उनका एम्बिशन थोड़ा इन्वर्ट जा रहा है ऐसा लग रहा है तो इफ़ एवरीथिंग थिंग गोज अकॉर्डिंग टू दिस प्लान देन चाइना विल टेक ओवर द वर्ल्ड लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं होगा टेक ओवर द वर्ल्ड मतलब क्या सर बेसिकली दे विल इम्पोज देयर रूल्स एंड देयर वे ऑफ लाइफ अभी जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर द रूल्स बेस्ड ऑर्डर ऑफ इंटरनेशनल ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम है ये सब उसके अलग अलग ऑर्गन्स ऑर्गेंस ओ यूनिसेफ एक्सेट्रा एंड वेरी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स है नेटो है तो ये सब ऑल दीजा की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्री एक्सचेंजेस ऐसे, होगा, ऐसे होंगी, yes. uh, जो भी इकोनॉमिकल बिटवीन नेशन जो अलग अलग अग्रीमेंट होते हैं वो कैसे नहीं? होंगे मतलब जो दुनिया की गवर्नमेंट होती है वर्ल्ड इज रन बेसिकलीर वे वर्ल्ड

हर चीज को हर चीज को दे डोंट वांट एनी पावर सेंटर एक्सेप्ट चाइना और चाइना के कोई अलाइज नहीं है अभी मतलब इस, इस समय रशिया उनका सपोजिटली एलाय तो है मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर शी उनका एक फ्रेंडशिप अग्रीमेंट uh, है जिसको एक्सटेंड किया अभी रिसेंटली एक, एक हफ्ते पहले hmm. तो उनका आई मीन यू कॉज आई एलाय है रशिया एंड चाइना लेकिन रशिया और चाइना का बहुत लंबा हिस्ट्री है hmm. जो अच्छा हिस्ट्री नहीं है सो आई डोंट थिंक मिस्टर पुतिन ट्रस्ट चाइना इन द लीस्ट Hmm. Sir, बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है। hmm. और वो गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह है। ये इंटरनेशनल ah, yes, yes. अभी? अभी चाइना को यूएस hmm. ने बेसिकली चाइना को इतना पाला है क्योंकि वो चाइना को एज अ काउंटर यूज करना चाहते थे अगेंस्ट रशिया आज उनको समझ गया है कि चाइना का एक्चुअल गेम प्लान क्या है hmm. पूरी दुनिया को टेक ओवर करना तो अमेरिका अभी पुश बैक करने को ट्राई कर रहा है अभी वो ट्रेड वॉर चल रहा है उनका hmm. और डिप्लोमेटिक भी बहुत सारे स्ट्राइफ चल रहा है उनका ट्रेड वॉर थोड़ा सा समझा दो सर ठीक है बेसिकली चाइना यूएस को एक्सप्लोर्ट कर रहा था ट्रेड से उनका सर रॉ मटेरियल्स जो भी यूएस को चाहिए वो सब चाइना बना के भेजता था फिनिश्ड uh, प्रोडक्ट्स भी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स या जो कुछ भी अमेरिका में चाहिए लोगों को कंपनीज को वो चाइना से मैन्युफैक्चर करवा के लेते थे अभी यूएस इसको इसके ऊपर पुशबैक कर रहा है चाइना के ऊपर एडिशनल टैक्सेस टैरिफ्स लगा रहा है ताकि वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहे उनके लिए क्योंकि hmm. वो यूएस से पैसा एक्सट्रैक्ट कर पैसा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे hmm. चीप माल दे के क्वालिटी hmm. 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 अच्छा था लेकिन बहुत वन साइडेड ट्रेड था ये तो अभी यूएस इसको रिड्रेस कर रहा है बाई इम्पोजिंग दैट तो चाइना इसके लिए खुश नहीं है तो ये ट्रेड वॉर चल रहा है उन दोनों के बीच में तो ये यूएस का वन पुशबैक का स्टाइल आई मीन एक uh, टेक्टिक है hmm. और दूसरा है कि चाइना को भी इंसर्कल करना चाहते हैं बिकॉज दे हैव बेसिस बेसिस अमेरिका अमेरिका के है, hmm. के है जापान में में वापस एक फिलीपींस बेस ओपन करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया hmm. यूएस का अलाय है अभी इंडिया में भी वो लोग अलायंस ढूंढ रहे हैं अमेरिका वाले hmm. अभी इंडिया इतना ओपन है या अवेलेबल है हम जानते नहीं है वी विल हैव टू सी लेकिन इंडिया और यूएस का भी काफी अच्छा अभी रिलेशनशिप बन रहा है धीरे धीरे बन रहा है बन रहा है अभी इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस

कोई भी आप नेशनल बाउंड्री देखेंगे नेशनल बाउंड्रीज ऑल्सो कीप शिफ्टिंग इन अंदर इर अंदर ओवर टाइम द स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा टाइम पीरियड है जियो में वो डेकेड है वन डेकेड अगर आप साल एवरी ईयर देखेंगे तो आपको कुछ चेंज दिखेगा नहीं mm. लेकिन अगर आप डेकेड डेकेड पे डेकेड़ देखेंगे तो आपको चेंजेस दिखेंगे जियो पॉलिटिक्स mm. में सो दिस इज द डेकेड ऑफ बिग चेंज ट्वेंटी ट्वेंटीज तो अभी इसमें इंडिया क्या करने वाला ये सबसे बड़ा प्रश्न है क्यों कहते हो सर आपकी बिग चेंज है कोविड की वजह से डेफिनेटली लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक मेल्टडाउन की वजह से पर और क्या चाइनाज राइज दिस इज़ द बिग टाइम ऑफ चाइनाज राइज अभी पिछले साल में चाइना की इकोनॉमी बहुत बढ़ गई hmm. और चाइना अभी बहुत अलग डिप्लोमासी खेल रहा है आज तक चाइना बहुत ही सबड्यूड डिप्लोमेसी खेलता था वेरी कंसिलियटरी लैंग्वेज

आपके यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट भेजना बंद कर देंगे दिस आर वेरी हार्ड थ्रेट्स दे कैन लेकिन ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमी बाय डूइंग दिस ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा बहुत ही बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना है अगर चाइना ने वो कट ऑफ कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पूरी डिजास्टर में आ जाएगी दे mm. हैव उन्होंने इतना बड़ा लेवरेज बना के रखा है धीरे mm. धीरे 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 उन्होंने लेवरेज हर जगह बनाया है पूरे mm. वर्ल्ड में mm. और अभी उसका वो लोग फायदा उठा रहे हैं